विद्यार्थियों को एक बार फिर से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से बड़ी राहत की खबर मिली है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक फीस स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। मेरे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। जब से प्रदेश में कोरोना संक्रमण आया है तब से माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से नज़र गड़ाए हुए हैं कि कहीं संक्रमण नहीं फैले, और संक्रमण के कारण से जो असुविधाएं हुई हैं, जो लॉकडाउन हुआ है, जो विद्यालय में पढ़ाई जो बच्चों की बाधित हुई है, उसको लेकर के हमेशा रिव्यू करते रहते हैं। पहले भी जब मुख्यमंत्री जी के पास में ये बात आई कि स्कूल फीस नहीं दे सकते हैं अभिभावक, तो 3 महीने की 30 जून तक के लिए उन्होंने डेफर करने के हमको निर्देश दिए थे और विभाग ने आदेश जारी किए थे। आज फिर सरकार ने यह फैसला लिया है कि चूंकि न तो CBSE के तरफ से कोई गाइडलाइन जारी हुई है विद्यालय आगे के सत्र में खोलने का, और न शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया है, न हमारे राजस्थान सरकार का शैक्षिक कैलेंडर जारी किया गया, न विद्यालय खुलने का फैसला हुआ है, तो ऐसे में उस फीस को हमने जो स्थगित किया था 30 जून तक 3 महीने के लिए, उसको जब तक विद्यालय नहीं खुले तब तक के लिए स्थगित किया गया है, जिससे अभिभावकों और विद्यालयों के जो प्रबंधकों उसके बीच में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वो नहीं हो। हमारे साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे, उन्होंने बताया कि एक बार फिर से लाखों अभिभावक जो इस कोरोना काल में आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं उनको एक बड़ी राहत दी है। जब तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे तब तक कोई भी निजी स्कूल फीस का दबाव नहीं बनाएगी, तो वहीं सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वालों स्कूलों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन देव के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया।